सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये है द्वारिका ब्लॉग पार्ट टू, जिसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। पहले मैं आया था द्वारिका से पेट द्वारिका, और बहुत अच्छा दर्शन होने के बाद अभी मैं पेट द्वारिका से द्वारिका वापस जा रहा हूँ, और उसके बीच मैं आपको दिखाऊँगा गोपी तालाब और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और पहले हम अभी जाएंगे गोपी तालाब, और गोपी तालाब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, अभी मैं गोपी तालाब आ चुका हूँ, और अभी हम थोड़ा दर्शन करने के बाद गोपी तालाब जो तालाब है वहाँ पे आपको मैं जाके दिखाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में, तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली मंदिर दर्शन करने के बाद अभी मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे। और यही मंदिर के लग के बहुत सारे बाज़ार हैं, तो आप मंदिर दर्शन करने के बाद आप अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने लिए यहाँ पे जो बाज़ार बसी है। सो गाइस, गोपी तालाब ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पर सभी गोपियाँ ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी अंतिम रासलीला प्रदर्शन किया था। और गोपी तालाब के बारे में जो खास बात है कि यहाँ की जो रेत और मिट्टी आप देख रहे हैं ये पीली रंग की है। ऐसा माना जाता है कि आखिरी रासलीला के बाद गोपियाँ जो थे वो श्री कृष्ण के साथ इसी तालाब में समा गई। फाइनली गैस, मैं तालाब के पास आ चुका हूँ, और आप जो मेरे सामने जो तालाब देख रहे हैं वो कम से कम 5000 साल पुराना है, और इसी तालाब से, इसी मिट्टी के तालाब से चंदन बनती है, और जो चंदन बनती है उसको गोपी चंदन कहते हैं, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का चंदन, जो कि मिट्टी से बनती है। और यहाँ से हम भी चंदन ले गए अपने लिए, तो आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो चंदन आप ले सकते हैं। और यहाँ गाय माता को चारा भी खिलाते हैं, तो हमने भी थोड़ा गाय माता को चारा खिला दिया। गोपी तालाब देखने के बाद अभी हम जाएंगे नागेश्वर मंदिर देखने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पे हैं। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर जाके दिखाऊंगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे आना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो आप कभी भी आ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से नवंबर से लेके मार्च तक आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, तब जब मैं गया था, ये हम फरवरी में गए थे, तो तब भी मौसम बहुत ही अच्छा था देखने लायक, तो आप उसी टाइम में आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और टीवी भी लगे हैं, तो हम टीवी के भी मदद से हम शिव जी को हम देख सकते हैं, शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है। और अभी हम आगे जाके भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, जितना भी हो सकता है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से शिव जी के ज्योतिर्लिंग दिखेंगे।
अभी दर्शन होने के बाद हम मंदिर की पीछे तरफ भी जाएंगे और मैं आपको पीछे तरफ भी दिखाऊंगा मंदिर के। अभी जो मेरे सामने विशाल मूर्ति देख रहे हैं शिव जी की, हम वहाँ भी जाएंगे। पहले हम पीछे का कवर कर लेते हैं, फिर हम उस तरफ जाएंगे। आप जो शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं ये कम से कम 80 फीट के हैं। और अभी थोड़ा मैं भी अपने आप को दिखा देता हूँ, और यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। नागेश्वर मंदिर देखने के बाद अभी हम जाएंगे रुक्मणी माँ के मंदिर में, और आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे रुक्मणी माँ की मंदिर है ये। मैं अभी आ चुका हूँ मंदिर और मैं आपको मंदिर का थोड़ा लुक दे देता हूँ। अगर आपको मैं स्टोरी बता दूँ इन शॉर्ट में, तो जो ऋषि दुर्वासा जो थे वो श्री कृष्ण जी और रुक्मणी माता को श्राप दिए थे। रुक्मणी माता के लिए श्राप ये था कि जो आप जितना भी प्यार करती हैं लेकिन आप कभी भी उनके पास रह नहीं पाएंगे, और जो आपका जो स्थान होगा दूरी होगा द्वारिका देश से। रुक्मणी माँ के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी में द्वारिका देश मंदिर है। तो अभी हम वहाँ से दर्शन करके अभी हम द्वारिका देश मंदिर आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे द्वारकाधीश मंदिर आपको दिख रहे होंगे, और उनके सामने जो एक मैं आपको ब्रिज दिखाऊंगा वो ब्रिज को बोलते हैं सुदामा सेतु ब्रिज। ये सुदामा सेतु ब्रिज उस तरफ जाने के लिए बनाया गया है, और ये जो आप रिवर देख रहे हो ये रिवर को कहते हैं गोमती रिवर। और पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको उस तरफ जाके दिखाऊंगा, वो भी गोमती रिवर क्रॉस करके हम नीचे से जाएंगे, और उस तरफ बहुत सारे पांडव की गुफा है और सी बीच है, तो हम वो तो देखेंगे। और मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा, और हम वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।